ठीक है, लेकिन ये तुम कर क्या रहे हो? अम्मी देख ले, यहाँ पर भी कुछ है। कहाँ गई थी तुम? दुकान पर गई थी मैं। अच्छा, मकई का आटा लेने, आज रोटियाँ बनानी है ना उसकी। ये लोग कौन हैं? अम्मी देखिए, नीले दरवाजे के साथ वाला घर है, जो हमारे हक में बेहतर है। क्या ला, शायद इन्हें मालूम नहीं कि वो घर कितना मनहूस है। बहुत मनहूस है, यकीन करो। और उस घर में जगह जगह सुराख भी है। बिल्कुल सही कह रही है ये। उस घर के बजाय यहाँ करीब में एक और घर खाली है, वो घर किराए पे क्यों नहीं लेते? आ जाए। जिंदगी है मजे में, छाँव है रोशनी है, नीले आसमां है, मस्ती में ये जहां है, मस्ती में ये जहां है। ये लो तुम्हारे चंदर, चलो जल्दी से पकड़ो इसे। शाबाश, ये देखो। हाँ तो बच्चों बताओ, तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना? यहाँ तुमने बच्चों को फिर से अपने पीछे लगा लिया ना? इसमें ऐसी कौन सी बात है, खेलने देना बच्चों को। दूर रहो बच्चों से, इन्हें बिगाड़ो नहीं। मैं बिगाड़ूंगी बच्चे को, जरा जाके अपनी शक्ल आईने में देखो। बदतमीज औरत है, एक नंबर की बदतमीज। चलो जाओ यहाँ से, बहुत हो गया। चलो जाओ शाबाश, चलो घर जाओ अपने। कहा ना जल्दी जाओ। वैसे तुम तो अपने शोर से रोज जलील होती हो, है ना? किस तरह वो तुम्हारी दुर्गत बनाता रहता है। बदतमीज। चलो बेटा जल्दी चलो। बस तकरीबन पहुंच गए। हो रहा। हे, क्या तुम इस घर में नए किराएदार आए हो? जी हाँ। हाँ, खुशामदीद। शुक्रिया आपका। फल फूल रहा है, आने वाला है बाहर का मौसम। बस इसी की कमी थी जो पूरी हो गई। मुझे तो ये अच्छी लगी है। चले आ जाएंगे। बेटी फिक्र मत करो, मैं जल्द ठीक हो जाऊंगी। अम्मी, मैंने कंबल, किचन का सामान, चूल्हा और बाकी जरूरत की चीजें ले ली हैं, और जो कुछ भी रह गया है वो हम आहिस्ता आहिस्ता करके खरीदते रहेंगे। बेकार घर, इसे घर कहते हैं क्या? भाई, क्या हमें यहाँ रहना पड़ेगा? सबर से काम लो, इतना जज्बाती होना ठीक नहीं। और कब तक बर्दाश्त करना होगा? बस थोड़े से दिन और। लुत्फ़अंदोज़ हूँ आप। शुक्रिया। ओह, खुशामदीद बेटा। कुछ याद आया ये देखकर? तुम्हारी माँ की है। तो ये खुफिया जगह पर एक लाश के साथ क्या कर रही थी? शायद वो वहां गई होगी। क्या मेरी माँ खुफिया जगह के बारे में जानती थी? ये तो नहीं कहा मैंने। मुझे इसमें झूठ की बुआ है। झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, सिरमा के जरिए मुझे इस रास्ते का इल्म हुआ। झूठ है ये। आप उस रास्ते के बारे में हमेशा से जानते हैं। आपने मेरी मां को वहां कैद किया और वही काम आप सिरमा के साथ करना चाह रहे थे। अम्मी जान, मैं हरगिज नहीं चाहता था कि आप परेशान हो। चले। तुम्हारी मां बीमार थी,
वो मरने से पहले एक खत छोड़ गई थी जो इत्तफाक से मैंने पढ़ लिया। उसने ये लिखा था कि उसकी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं। बहुत पुरसरार बातें थी उसकी। फिर अचानक वो गायब हो गई। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। ये सब सच नहीं है। ये सच है बेटा, चाहे इसे मानो या ना मानो। मैं जानता हूँ, सारी हकीकत जानता हूँ। जब मेरी माँ जिंदा थी तब से आपकी सोरा पे नजर है। आपने उसके जवान होने का इंतजार किया और जानबूझकर मेरी माँ को उस कैदखाने में छोड़ दिया ताकि आपका रास्ता साफ हो जाए। सिर्फ सोरा को अपनाने के लिए आपने ये सब कुछ किया है बाबा। जवाब चाहिए मुझे, बोले बाबा मुझे जवाब चाहिए। तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी माँ के गले से चाबी निकाली और वहां से निकल आई। अगर तुम्हारी माँ निकलना चाहती तो वो भी उस चाबी का इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया। तो क्यों नहीं किया उन्होंने? क्योंकि वो वहीं मरना चाहती थी। झूठ बोल रहे हैं आप। मैं आपकी हर चाल से बाखूबी वाकिफ हूँ बाबा, क्योंकि मैं आप ही का खून हूँ। अच्छी तरह पहचानता हूँ आपको। आपने मेरी माँ को कैद किया ताकि वो वहां पर घुट घुट के मर जाए, और जब वो मर गई तो उनके गले में चाबी डाल दी। मेरी मां के कातिल हो तुम। मेरे बान छोड़ो। तुमने मारा है मेरी मां को भाई। जवाब देना होगा तुम्हें। भाई छोड़ दे। तुमसे सच कहा है मैंने, तुम्हारी माँ को मैंने नहीं मारा। अब तुम्हारी मर्जी है कि इस बात को सच मानो या झूठ। डिजाइन वाली सारी खूबसूरत प्लेट्स टूट गई हैं। अल्लाह अल्लाह, इन टूटों के लिए क्या अफसोस कर रही हैं? ये टूट टूट तो अब इनके घर में लगी ही रहेगी। चुप, अब सारा अजाब हम झेलेंगे क्या? सईद, काम जारी रखो। शुक्रिया। क्या मेरी मदद की जरूरत है? नहीं नहीं शुक्रिया, बस हो गया। बस चूल्हे के लिए ही चाहिए था। खुश आमदीद। शुक्रिया। तो घर आसानी से मिल गया? बिल्कुल मुश्किल नहीं हुई, मुझे रास्ता मालूम था। सईद, वो याद है उस दिन हमारे दरमियान जो बात हुई थी? मैं मास्टर वेदत से उसी सिलसिले में मिला था। वो कल तामीराती जगह पर तुम्हारा इंतजार करेंगे और इंशाल्लाह मुलाजमत पर भी रख लेंगे। ये कार्ड रख लो उनका। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, मैं वाकई में तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसी कोई बात नहीं। काफी उलझे हुए लग रहे हो मुझे, कुछ हुआ है क्या? मैं कपूरिया जा रहा हूँ सईद। वजह? आग जला देता हूँ ताकि थोड़ी अंदर ठंड कम हो जाए। चाय बिल्कुल तैयार है, तुम भी आके पी लो बेटा। ये लो बेटी। नहीं, बिल्कुल दिल नहीं है। शुक्रिया आपका।
बेटा तुम आके बैठो यहाँ पर। अभी बाहर आदिल आया था, बता रहा था कि उसका बड़ा भाई जो उसकी तरह ट्रक ड्राइवर था जॉर्जिया से वापस आ रहा था, लेकिन वापस पहुंचते ही बल्कि रास्ते में ट्रक में उसे मुर्दा हालत में पाया गया। ये कैसे हुआ? सर में गोली मारी गई उसे। क्या कातिल का कुछ पता चला? अल्लाह ताला रहम फरमाए। मेरी माँ जानती थी खुफिया जगह को? जानती थी। क्या तुमने बताया था? नहीं, उन्हें पहले से इल्म था। क्या जानती थी वो इस बारे में? वाहिदा अम्मी, उन्होंने खत में आधी अधूरी बात कही। नहीं तो आपको क्या लगता है कि मैं जिम्मेदार हूं इस हादसे की? हो भी तो सकता है, तुम कुछ भी कर सकते हो। किसी इंसान की जान ले लेना इतना भी आसान नहीं होता जाकिर, लेकिन इसका एहसास तुम्हें क्यों होगा? इंसान जो नहीं हो तुम और तुम्हारे बाबा बिला खौफ व खतर बेगुनाह लोगों का कत्ल करते हैं। इब्राहिम तुम आए हो क्या? हाँ, तो और कौन होगा फिर? हाँ क्या पता, कोई शहजादा आ गया हो अचानक मुझे इन मुश्किल हालात से निकालने के लिए। अब मेरी बेरोजगारी का मजाक उड़ाओगी? कल तक तो उसे तलाक दिलवाकर मुझसे शादी करने पर बजी थी और आज ये बातें? पहले उसे ठीक से तलाक तो दे दो, बाद में बोलना। वैसे हुआ क्या है, कहीं काम बना क्या? मैं हर जगह गया, हर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कहीं मुलाजमत नहीं मिली। मुल्क के हालात बहुत कशीदा हैं। मुल्क के हालात तो ऐसे ही रहते हैं, हम कैसे रहेंगे ये बताओ मुझे। मुझे नहीं मालूम शरीफा, मुझे लगता है कि अनकरीब ही या तो मेरा हार्ट फेल हो जाएगा या नस फट जाएगी। सुबह मालिक मकान आया था, किराया मांग रहा था। कह गया है कि सुबह उसे हर सूरत में किराया चाहिए। तुमने उससे क्या कहा? क्या कहना था मैंने, बस सिर्फ ये कहा इब्राहिम आएगा तो उससे ले लेना। पागल हो क्या, कहाँ से दूंगा? तो फिर कौन देगा भला? पता नहीं, पिछले महीने भी वैन की किस्त अदा नहीं कर सका मैं, और इस महीने का किराया भी सर पर है, और अब जॉब भी खत्म हो गई मेरी। वैन की किस्त क्यों नहीं दी थी? अच्छा सवाल किया है बहुत। तुम्हारे भेजा असराफ की वजह से अदायगी नहीं कर सका मैं, सारी रकम तुम्हारे मेकअप जूते कपड़े और महंगे जेवरात की नजर हो गई, मोहताज हो गया मैं। शरीफा, कुछ रकम है तुम्हारे पास? नहीं है पैसे। क्यों, कहाँ गए बाकी पैसे? नोटों भरा बैग दिया था क्या? मैं बहुत मजबूर होकर तुमसे पैसों का तकाजा कर रहा हूँ, कोई चारा नहीं इसके अलावा। लेकिन अगर इस महीने अदायगी नहीं की गई तो बैन जब्त हो जाएगी, कहाँ से गुजारा करेंगे? इब्राहिम, मुझे लगता है तुम्हें जाकिर के पास जाना चाहिए। जाकिर के पास जाऊं मैं? और एक बार फिर उस शख्स से जलील हूं? अच्छा तो जाकिर के जूते खाऊं, खुशामद करूं ताकि वो तर्स खाकर पैसे खैरात में दे दे मुझे? नौकरी तो देगा। पागल हो तुम, क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम भूल गए उस आदमी ने क्या सलूक किया था? तुम्हें जरा भी मेरी इज्जत की परवाह नहीं। तुम्हें नौकरी मिल रही नहीं है, पैसे नहीं है, करोगे क्या तुम आखिर? तुम संजीदा हो? हाँ, तुमको जाकिर भाई के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, जाके माफी मांग लो उनसे।
कहो कि सब किया धरा सईद का है। अगर वो तुम्हें माफ कर दे तो हो सकता है कि नौकरी भी दे दे तुम्हें। हमारे बारे में सोचो एक बार। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कुछ और हल सोचना होगा। फिलहाल दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ ताकि ज़हनी अज़ियत से थोड़ी निजात हासिल हो सके। हाँ हाँ, जाओ जाओ, तुम्हारा दिल बहलेगा, मैं भी पड़ोस में चली जाऊंगी। लेकिन साथ में चाबियां लेके जाना और फोन पे मुझसे कांटेक्ट रखना। ठीक है, तुम फिक्र मत करो। दरवाजा बंद करते जाना। जाकिर साहब कैसे हैं? ठीक है ना? जो बात करनी है जल्दी करो। वो दरअसल मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। ज़ोरा के हवाले से कोई बात है तो बताओ। नहीं नहीं, वो नहीं है, मैं कुछ जाती बात करना चाहती थी अपने बारे में। हाँ तो बताओ। सही, इब्राहिम कहीं गया है इस वक्त। फोन पे बात करने के बजाय हम मिल सकते हैं अभी? चलो ठीक है। तो क्या मैं क्लब में आ जाऊँ? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भेज रहा हूँ। हेलो हेलो, जवाब देने में तो बड़ी शान घटती है इसकी। मेरे लिए गाड़ी भिजवा रहा है, वैसे बड़ी हैरत की बात है। क्या ठंड लग रही है तुम्हें? नहीं तो ठीक हूँ मैं। ज़ोरा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ लेकर आऊँ तुम्हारे लिए मैं? क्या खाओगी? कुछ नहीं। दवा से पहले कुछ खाना चाहिए। दिल नहीं कर रहा। सईद, तुम मेरी परवाह करना छोड़ दो। जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ। मुझे नहीं चाहिए। ये ले लो ज़ोरा। नहीं चाहिए मुझे। वजह? कोई फायदा नहीं होगा। इसका फायदा नुकसान बाद में सोचेंगे, अभी फिक्र नहीं करो, ठीक है? ज़ोरा, तुम मज़ीद बीमार हो जाओगी। तुम खुद पर जुल्म मत करो और जिद छोड़ दो, समझे? कोई जरूरत नहीं दवा खाने की तुम्हें, कोई फायदा नहीं है। कोई भी फायदा नहीं था, फजूल में मेरे दादा ने तुम्हें ढाल बनकर बचाया था। कोई फायदा नहीं हुआ। तुम तो खुद मरना चाहती हो, ये सिला दोगी तुमने उनकी कुर्बानी का? तकदीर का लिखा अटल होता है, लेकिन इंसान इस तरह से खुद को बर्बाद नहीं करता। मेरा बचपन उरकुप में गुजरा, मेरी पूरी जिंदगी चट्टानों में गुजरी, लेकिन हमेशा अच्छा मुस्तकबिल सोचा। देखो अब कहां खड़ा हूं, इस्तांबुल में हूं और घर वालों के लिए चार पैसे कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। वजह?
क्योंकि मैंने किसी मोड़ पर हार नहीं मानी कभी। फैसला तुम्हारा है, अगर तुम्हें ये जिंदगी नहीं चाहिए तो ठीक है, मर जाओ जोरा, जो चाहे करो। नहीं चाहती मैं, दवा के साथ कुछ खाना भी पड़ेगा और साथ में आराम भी करना पड़ेगा। बेटा क्या तुम सोने नहीं जा रहे? जा रहा हूं। लेकिन बेटा तुम्हारे पास तो कंबल भी नहीं। अरे वहां आग जला लूंगा मैं और जैकेट भी पहन लूंगा, बिल्कुल भी फिक्र मत करें, आप आराम करें, मुझे ठंड नहीं लगेगी। अच्छा शब बखैर। चलो ठीक है, शब बखैर। शब बखैर। शब बखैर। हम अभी कहाँ जा रहे हैं? जाकिर साहब के दिए गए पते पर जा रहे हैं। जनाब ने मुझे बुलाया है। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? आपके लिए सरप्राइज है मैडम। Nerede?
daldan kopan yaprak gibi. Yalnızım yalnız anne, bir masal kuşu uçur üşüyen düşlerime. Kayboldum kör sokaklarda, gel de bul beni anne. Nerede masallarım, o masum hayallerim? Ben ne zaman büyüdüm anne, kirlendi ellerim. Nerede sevinçlerim, o bahar gülüşlerim? Ben ne zaman güz oldum anne, döküldü. जोरा, चलो दवा का वक्त हो गया। जोरा, आंखें खोलो। जोरा, जोरा, जोरा। सही? अमित जोरा उठ नहीं रही, देखे तो? जोरा, जोरा। भाई मर तो नहीं गई कहीं? जोरा? मेरी बेटी आंखें खोलो। जोरा, जोरा क्या हो गया? जोरा आंखें खोलो। शुक्र है अल्लाह का। अम्मी इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत तेज बुखार है इसे, डॉक्टर के पास जाना होगा। जोरा उठ जाओ, चलो जोरा। कहाँ ले जा रहे हो बेटा? हॉस्पिटल जा रहे हैं। बेटा क्या इस वक्त बाहर जाना ठीक रहेगा तुम्हारे लिए? इसे मर्द होए नहीं दे सकता मैं अम्मी। कैसे ले जाओगे? कोई गाड़ी भी नहीं हमारे पास। अम्मी कुछ भी हो मैं इसे ले जाऊंगा किसी भी तरह, ठीक है? अब जाइए अंदर, चलिए। सईद ऐसे नहीं जाओ बेटा। अम्मी आप अंदर जाइए ना, अंदर जाइए। यहाँ अस्पताल कहाँ है? ये ऐसे कितनी देर तक भागेगा? पैसे नहीं है तो अस्पताल में इलाज कैसे होगा? जोरा, जोरा आंखें खोलो, जोरा, जोरा। सईद को आज हॉस्पिटल की पेमेंट अदा करनी है, आज ही क्या बताया था उसने? ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ मैं। जानता हूँ मैं सफाई क्यों पेश कर रही हूँ। अगर कुछ हो जाता तुम्हें? तुम होने ही नहीं देते, जानती हूँ मैं। ऐसा मुमकिन नहीं है ना कि तुम मेरी हो जाओ। मेरा बेटा तुमसे प्यार करता है, हम नहीं जानते मोहब्बत कब और कहाँ मिलेगी। ओ रब्बा कोई